नमस्कार, मैं हूं अरुण दुबे और आप देख रहे हैं सूचना नेटवर्क। नवजोत सिंह सिद्धू साहब का कोई स्टैंड ही नहीं है, वो स्टैंडलेस पॉलिटिशियन। जैसा कि मैंने कहा कि साइकिल का भी स्टैंड होता है, लेकिन सरदार नवजोत सिंह सिद्धू का कोई स्टैंड नहीं है। जब अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब की महिलाओं को एक तोहफा दिया और महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट के टुवर्ड्स भारत के इतिहास में सबसे बड़ा कदम उठाया कि केजरीवाल सरकार जब पंजाब में बनेगी तो हम पंजाब की हर महिला को 1,000 रुपये महीना देंगे उसकी जेब खर्ची के लिए, तब हमारे इस अनाउंसमेंट का सबसे ज्यादा मजाक सरदार नवजोत सिंह सिद्धू ने उड़ाया था और कहा था कि पंजाब के लोग कोई पैसा चाहते हैं, कोई भिकमंगे हैं, मेरी घरवाली को कोई 1,000 रुपये देगा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, ना जाने क्या क्या उन्होंने कहा था। और आज नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस पार्टी की ओर से यह अनाउंसमेंट कर दी है कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो वो 2,000 रुपये देंगे। मैं दो चीजें कहना चाहता हूं इसमें। पहली चीज, पंजाब में कहावत है कि साइकिल का भी स्टैंड होता है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू का कोई स्टैंड नहीं है, ये स्टैंडलेस पॉलिटिशियन, इनका कोई स्टैंड ही नहीं है। और दूसरा पॉइंट मेरा, अगर आप 2,000 रुपये देना चाहते हैं और 8 सिलेंडर हर महिला को देना चाहते हैं तो आपकी सरकार है, खजाना आप चलाते हैं, खजाना मंत्री आपका है, सरकार आपकी है, आप तो रूलिंग पार्टी के प्रधान हैं, आप आज से ही महिलाओं को 2,000 रुपये देना शुरू कर दीजिए। ये मेरे दो पॉइंट नवजोत सिंह सिद्धू साहब। नवजोत सिंह सिद्धू साहब का कोई स्टैंड ही नहीं है, वो स्टैंडलेस पॉलिटिशियन। जैसा कि मैंने कहा कि साइकिल का भी स्टैंड होता है, लेकिन सरदार नवजोत सिंह सिद्धू का कोई स्टैंड नहीं है। वो एक दिन एक वेलफेयर स्कीम को खराब कहते हैं बहुत खराब हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, सरकारी खजाना खाली है, पैसा ही नहीं है, पैसा कहां से आएगा, महिलाओं को कोई भीख देने की जरूरत है क्या, मेरी घरवाली पैसा नहीं लेगी, और अगले दिन जाकर उससे भी एक ज्यादा डबल करके एक अनाउंसमेंट कर देते हैं। तो उनका कोई स्टैंड ही नहीं है, वो स्टैंडलेस पॉलिटिशियन है, उनको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी आपस में लड़ लड़ के पूरे पंजाब में खत्म हो गई। कांग्रेस के लोग आपस में लड़ाइयां लड़ रहे हैं, चन्नी साहब की रंधावा साहब से नहीं बनती, रंधावा साहब की झाकड़ साहब से नहीं बनती, झाकड़ साहब की फलाने मंत्री से नहीं बनती, नवजोत सिंह सिद्धू की तो किसी से भी नहीं बनती। ये आपस में लड़ाइयां लड़ रहे हैं, इनको लड़ने दीजिए, कांग्रेस खत्म हो गई है। पंजाब में अब कांग्रेस को वोट देना मतलब अपना वोट बर्बाद करने जैसा, कोई भी शख्स कांग्रेस को वोट ना दे, मेरी अपील है पंजाब के लोगों से। मैं चीफ मिनिस्टर चन्नी और होम मिनिस्टर सुखी रंधावा साहब से साफ तौर पर 5 सवाल पूछना चाहता हूं। पहला सवाल, अगर आपको 5 साल लग गए एक नशे के खिलाफ FIR करने में, तो पूरे पंजाब से नशा गायब करने में आपको कितने साल लगेंगे? मेरे मुताबिक 500 से ज्यादा साल लगेंगे। दूसरा सवाल, जब 20 दिसंबर को बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ FIR दर्ज हुई तो आज तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? 14 दिन हो गए FIR दर्ज करे, आज तक गिरफ्तारी क्यों नहीं? मेरा तीसरा सवाल, बिक्रम सिंह मजीठिया की एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट हुए करीब करीब 10 से 12 दिन हो गए। एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट होने का मतलब होता है इमीडिएट अरेस्ट, लेकिन एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट होने के बाद भी रंधावा साहब अभी तक क्यों नहीं मजीठिया की गिरफ्तारी? मेरा चौथा सवाल, क्या इस बात से कोई इनकार कर सकता है कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सारे पुलिस अफसरों को पंजाब के ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आपने विक्रम सिंह मजीठिया को गिरफ्तार नहीं करना, ये FIR सिर्फ सियासी है, सियासत में फायदा लेंगे FIR का, गिरफ्तारी नहीं करनी? और मेरा पांचवा और आखिरी सवाल चन्नी सरकार से, सुखजिंदर रंधावा से, कि क्या आज नशे के इस व्यापार में आपकी 75-25 की पार्टनरशिप बन गई है? क्या कुछ हिस्सा आप तक भी पहुंचता है जो अभी तक नशे के सौदागरों को आप गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं? मेरे 5 सवाल कांग्रेस पार्टी से, चन्नी सरकार से, सुखजिंदर रंधावा।